दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेस्ट थर्मोस्टेट की जो वायरिंग होती है। जैसे ये किट मैंने रेडी किया है, जैसे कि आपको पता होगा, अगर नेस्ट थर्मोस्टेट जो होता है वो 24 वोल्ट से चलता है, और उसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हो एक किट रेडी किया है, जिसके अंदर हमने चार रिले लिया है, 1, 2, 3, और ये चार रिले है, और एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो कि 220 से 24 वोल्ट बना के हमको देता है। तो पूरी वायरिंग मैंने ये किट रेडी कर दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो सीखना है तो पूरा लास्ट तक देखिए, अगर मतलब आपको नेस्ट की वायरिंग सीखनी है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम में इसकी वायरिंग करेंगे ना, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इसकी जो वायरिंग करके रखी है, और आज ही मैंने इस किट को रेडी किया क्योंकि मेरे को कल इसको लगाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट का मैंने बना रखा है, और ये लाइन और न्यूट्रल है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लाइन और न्यूट्रल का अलग अलग कनेक्शन किया, जैसे कि 1, 2, 3, ये तीन कनेक्टर हमारे न्यूट्रल के हो गए, और 1, 2, 3 ये हमारे फेस के कनेक्टर हो गए। तो यहाँ से मैंने दे दिया क्योंकि यहाँ पे हमको इंडोर को चालू करने के लिए जो मेन सप्लाई होती है वहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, फेस और न्यूट्रल, तभी इस हमारा ट्रांसफार्मर में पावर जाएगा। तो आगे मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो जैसे कि आपने को मैंने बता दिया, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कनेक्टर यूज कर लिया है ताकि सिर्फ हमको यहाँ पे वायर को कनेक्ट ही करना है, यानी फेस यहाँ लगा देंगे, न्यूट्रल यहाँ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और आगे मैं ये ट्रांसफार्मर में आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे से देखनी चाहिए, कि जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ब्लैक, रेड और ऑरेंज, यानी तीन कलर के वायर हैं जो हमारी प्राइमरी होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना PRI, प्राइमरी का मतलब ये होता है जिसके अंदर आपको पावर सप्लाई देना होता है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ब्लैक कॉमन हो गया, COM लिखा हुआ यानी कॉमन, और यहाँ पे 208 यानी 208, और 240 यानी 240 वोल्ट। तो इसका मतलब ये होता है, जो ब्लैक होता है वो तो हमारा कॉमन ही रहेगा यानी न्यूट्रल रहेगा, और ये जो रेड है ना, ये आपको 208 वोल्ट के लिए देना होता है। लेकिन हम तो हर जगह आपको 220, 240, 230 इतना वोल्ट आता है, तो आपको ऑरेंज वाला वायर यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखिए यहाँ पे मैंने दो वायर यूज किया है, देख सकते हो, एक ब्लैक और ऑरेंज, जो कि इस कनेक्टर में मैंने यूज किया है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट के लिए। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई प्राइमरी का, और ये सेकेंडरी का है, देख सकते हो SEC लिखा हुआ है। तो ये हमारा सेकेंडरी जो कि 24 वोल्ट होता है, 24 वोल्ट से 40 वोल्ट तक होता है, ठीक है दोस्तों, वोल्ट एम्पियर दोनों है इसके अंदर। तो ये हमारा ब्लू और ब्राउन है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू और ब्राउन, ये दो वायर हैं, यहाँ पे देख सकते हो ब्लू और ब्राउन वायर। तो इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे, यहाँ पे भी ये कनेक्टर लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने देख सकते हो लाइन और न्यूट्रल दे रखा है, और ऊपर मैंने 24 वोल्ट दे रखा है, ताकि जब ये हमारा किट रेडी हो गया है, जब हमारा किट ये लगने को जाएगा ना, उस समय कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको पॉइंट देख देख के आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 24 वोल्ट और 24 वोल्ट हो गया, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल हो गया। तो ये जो हमारी सेकेंडरी से पावर सप्लाई आएगी, नीचे में देख सकते हो यहाँ पे ब्लू और हमारा ब्राउन वायर दोनों आ गया है। तो यहाँ पे मैंने तीनों कनेक्टर को एक लूपिंग कर दिया है, तीन कनेक्टर को एक लूपिंग कर दिया है, कि अगर हमको जो चाहिएगा, जैसे कि हमारे एक थर्मोस्टेट में चाहिए, जो हमारा नेस्ट का रिमोट होता है, उसके अंदर हमारा 24 वोल्ट जाएगा फेस वायर यानी 24 वोल्ट का, और दूसरा न्यूट्रल यानी हमारा 24 का न्यूट्रल वायर जाएगा, तभी हमारा नेस्ट जो नेस्ट थर्मोस्टेट है वो ऑन होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया पावर सप्लाई का और थर्मोस्टेट यानी ट्रांसफार्मर का, और यहाँ से हमारा नेस्ट थर्मोस्टेट में पावर सप्लाई चली जाएगी। और आगे आते हैं यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मैंने कनेक्टर लगा रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये रिले की जो वायरिंग है ना, वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रिले मैंने कनेक्ट करके रखा है, लेकिन मेरे पास एक दूसरा सादा रिले है जी, ये देखिए यहाँ पे एक रिले है, और इसके अंदर आप कॉइल भी देख सकते हो,
इसका जो कॉइल है 24 वोल्ट का है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 वोल्ट का। 24 वोल्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, जो ये हमारा 0 और ये 1 होता है ना, जो इसके अंदर ये जो कॉइल होती है यानी जो मोटर होती है, वो हमारा 0 और 1 यानी 24 वोल्ट का है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है 0 और 1, तो ये जो बीच में जो बना हुआ है ना, ये कॉइल होती है, ये मोटर की कॉइल है, तो ये हमारी 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। कि जब हमारा 24 वोल्ट यहाँ पे आएगा फेस और न्यूट्रल 24 वोल्ट का, तब हम जब यहाँ पे पावर सप्लाई दे कर रखेंगे तो ये पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। यानी ये NO में है, नॉर्मली ओपन में है, और जब हमारी यहाँ पर 0 और 1 में पावर सप्लाई आएगी तब ये NC हो जाएगा, यानी नॉर्मली क्लोज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। अभी मैं आपको रिले के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है और बहुत मेहनत करके ये पूरी वायरिंग रेडी किया है दोस्तों। तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहूँगा, और बहुत कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये रिले मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे ये 6 पिन वाले रिले हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो आपको मैं एक रिले बता दूँगा तो आपको हर एक रिले का समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये रिले देखिए, तो यहाँ पे 2 4 6 8, तो यहाँ पे मैंने 6 और 8 पॉइंट को यूज किया है। और ये जो दूसरा पॉइंट होता है ना, ये देखिए, ये 0 और 0 ये 1, यानी ये हमारा मोटर का सप्लाई है, यानी 0 1। यहाँ पे जब हमारा 24 वोल्ट का पावर सप्लाई आएगा तो ये जो रेड वाले में पावर सप्लाई रुका हुआ है ना, तो ये रेड वाली पावर सप्लाई हमारे यहाँ पे ब्राउन में चली जाएगी। बस इतना ही काम है रिले का। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ये हमारा मोटर जो था वो 220 वोल्ट का मोटर था, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आउटपुट 220 वोल्ट, और CLMH, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सी का मतलब हमारा कूलिंग के लिए यूज किया हमने, और लो का, एल का मतलब लो, एम का मतलब मीडियम, और जो एच है ये हाई है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आपने रिले की वायरिंग में मैं आपको बता दिया हूँ, समझ में भी आ गया होगा। और लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैंने पूरी ड्राॅइंग बना के और वहाँ पर डाल रखी है, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको लास्ट में जो ड्राइंग है वो भी जाके आप देखोगे, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी वो डाल रखा है, जाके आप देख लिए, ड्राइंग को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसमें क्या क्या कनेक्शन किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वायरिंग जो की है, तो ये चीज़ देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ देख सकते हो ब्राउन, ब्लू और रेड, और ये यहाँ पर ग्रीन वायर यूज़ किया है। तो इनका कनेक्शन मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ब्राउन वायर मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, और ब्लू वायर मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये देखिए ब्लू वायर, और जो रेड वायर है मैंने यहाँ लगाया है देखिए, और जो ग्रीन वायर है यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा लो, मीडियम, हाई, और ये हमारा कंप्रेसर के लिए 4 वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये रिले का जो देखिए कनेक्शन कैसा है, ये जो रेड वाला वायर है ना दोस्तों, ये रेड वाला वायर हमारा 220 वोल्ट का है, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है जो आउटडोर का है, और जो फ़ैन है, 3 स्पीड के जो फ़ैन होते हैं लो, मीडियम, हाई, वो भी हमारे 20 वोल्ट का ही है, 220 वोल्ट का। तो यहाँ पे हमने ये जो फेस वायर को देखिए, ये 220 वोल्ट का है, तो ये जो 220 वोल्ट यहाँ पे रुका हुआ है, जब ये रिले ऑन होगा तो ये 220 वोल्ट ये इस वायर इस पावर सप्लाई में चली आएगी, यानी हमारा ये जो ब्राउन वायर है ये हाई का है, तो यहाँ पर चली आएगी। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह से मैंने देखिए यहाँ से लूपिंग करके यहाँ लूपिंग किया है, यहाँ से लूपिंग करके इस रिले में लिया है, देखिए यहाँ पे लिया है, फिर यहीं से लूपिंग करके आगे ले लिया है, फिर यही आगे वाला लूपिंग दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसमें ले लिया हूँ फेस वायर में। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा हमारा फेस घूम गया, और यही फेस हमारा फैन, मोटरों में और हमारा कंप्रेसर के लिए जाएगा। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ रिले के लिए। तो रिले का जो न्यूट्रल वायर है, यानी 24 वोल्ट का, जैसे कि हमारा ये जो रिले है 24 वोल्ट का है, क्योंकि जो नेस्टो का थर्मोस्टेट होता है उसमें 24 वोल्ट जाता भी है और 24 वोल्ट वो वापस देता भी है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे 24 वोल्ट का ये रिले लगाना पड़ा। तो जैसे कि यहाँ पे 24 वोल्ट का न्यूट्रल वायर है, देख सकते हो ये न्यूट्रल वायर, तो यहाँ पर मैंने एक रिले में दिया है, फिर यहीं से लूपिंग करके दूसरे रिले में दिया है,
फिर यहीं से लूपिंग करके ये तीसरे में दे दिया है और यहीं से लूपिंग करके यहाँ पे दिया है। तो मतलब ये ऐसा कंप्लीट हो गया है। और वीडियो के लास्ट में मैंने मेरे दोस्तों ड्राइंग भेज बना के रखा है, जाके आप देख सकते हो। और जब मैं ये नेस्टो का लगा दूंगा ना, फिर एक और वीडियो आएगा, तो वो वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हमारे चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो कुछ कर सकते हैं आप कीजिए। और दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है कि जो हम लोग इस सर्किट के साथ जो नेक्स्ट थर्मोस्टेट लगाएंगे उसका पूरा वीडियो इसके बाद वो आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और हमारे अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ना पूरा यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस तरह से किसी ने नहीं बताया है, ठीक है दोस्तों। तो लाइक करें, शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।